गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब हम लोग के यहाँ पे है एक डेस्टिनेशन वेडिंग, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। तो अब आपको भी साथ लेकर के जाते हैं और साथ में बहुत सारा इंजॉय करेंगे, फन करेंगे, घूमेंगे ऋषिकेश। टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी कर लेंगे, बट या मज़ा आएगा। बंदर और यहाँ पे अभी भर रही है गैस, सारी गाड़ियाँ है बहुत भूखी। ओ गॉड। और अब स्टार्ट हो गई है हमारी जर्नी ऋषिकेश जाने की। आई जस्ट लव लॉन्ग ड्राइव्स। देखो गाइस हमें क्या मिला है, सुखदेव का छोटा भाई, होटल सुखदेव यूपी में। वो वाला तो हरियाणा वाला है अमरीक सुखदेव, ये छोटा भाई है उसका, छोटा सा है, प्यारा प्यारा सा। और आ गए हैं अब हम पहाड़ों में। जस्ट लव, कितना मजा आ रहा था यहाँ पे, अमेजिंग। ओह क्यूटी क्यूटी पाइस, इतना बड़ा अंडा नहीं, ये स्टोन है। ओह कितनी क्यूट लग रही है ये, तो नहीं तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। क्यूटी क्यूटी, लेट्स फाइंड माय रूम। नाइस है, पानी पीना। नाइस रूम्स, नाइस कॉरिडोर। थोड़ा ट्रेंड करें टेक्नोलॉजी में, गाना बजाके दरवाजे पे लात मार के भागते हैं। किसी को यूज करना तो कर लो, किसी का दिल जल रहा है तो। लेट्स गो भाई, ऐसा लग रहा है खाना होगा। हम लोग इतना नीचे जा रहे हैं, ये हम सही जा रहे हैं ना? एंड Because this view is just amazing. Just look at the sunset. Ah, kitna patuk acha lag raha hai. Yes, look some tairti hui machliyan. Let me zoom. Jal pare hain. Jal pare hain ye log, jal pare. Are iski boat kyun khali hai? Isne gira diya kya sabko? खुद के जोक में खुद ही हंस रही हूँ। ग्रेट, अच्छा पेड़ हो तुम। चलो आगे चलते हैं। ओके, गिरना मत नहीं तो दांत टूट जाएंगे। खुला हुआ ही है ये। ओके, ये हम एक और तहखाने में आ गए। यहाँ पे तो आवाज भी इको कर रही है। इट्स अलकनंदा एंड इट्स भागीरथी एंड आई गेस ये पहाड़ होगा आई गेस। और फिर ये और डीप है। ओ माय गॉड, जस्ट लुक, और नीचे। उफ उफ, बस मैं गिर रू ना। ओके ओके, ये जाले इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि बंदर आते हैं यहाँ पे। लाइक और नीचे। ओ माय गॉड। तो हमारा रूम है गंगा, मतलब एक्चुअली ये कॉटेज एरिया है प्रॉपर। ओके, थोड़ा आराम से एंड चलो अंदर चलते हैं। को ऑलरेडी ओपन। ओके खुल जा भाई। ओके तो हमें स्टार्टिंग में ही स्लीपर्स मिल गई हैं। मैं कैमरा थोड़ा टिल्ट कर देती हूँ एंड दिस इज नाइस। हाँ बहुत अच्छा है, पंखा भी चल रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ पे सारे स्विचेस हैं एंड दिस इज बेड, दिख ही रहेगा ऑफ कोर्स, ही बात है। ये हमारा सामान और ये गंद मच चुका है। और या दिस इज टीवी जो बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट। ये है आई गेस फ्रिज और ये खाने पीने का सामान है, मतलब एक्चुअली मोस्टली पीने का ही सामान है। एंड इसके अंदर
कुछ तो है आई गेस, मेन्यू एंड ऑल आई गेस कुछ ऐसा कुछ रखा हुआ है। इसमें ये भी सारा सब कुछ खाली है, फ्रिज इसमें कुछ भी नहीं है। और ये है बालकनी, व्यू तो आपको यहीं से दिख रहा होगा कि कितना ऑसम है, बट यहाँ से देखते हैं पूरी रिवर दिख रही है, कितनी अच्छी लग रही है और पूरा पहाड़ दिख रहा है, वाओ एकदम अमेजिंग। अच्छा हाँ, अब स्टार्ट करते हैं ऑफ कोर्स स्टोरेज एरिया से। यहाँ पे भी दे रखा है इन्होंने अच्छा खासा, यहाँ पे भी है, ओपन है स्टोरेज एरिया, एंड ये भी है, इसको ओपन करते हैं, दिस एंड दिस। ओ माय गॉड, लाइट जल गई एकदम से, चुक, ग्रेट, ये अच्छा है। एंड दिस इज तो तिजोरी है भैया, तिजोरी, ओके। और भी यहाँ पे अपना सामान रखने के लिए है, आपको वाटर बॉटल्स मिली हैं एंड स्विचेस उनके साइड पे हैं। एंड अगेन दिस बेड, बेड की नेक्स्ट साइड चलते हैं। एंड कोर्स हमें यहाँ पे फोन मिला है, डायरी नोट पैड मिला है, ऑल आउट भी मिला है, वाओ, क्योंकि यहाँ पे मच्छर हो सकते हैं, काफी अच्छी चीज है। और ये है पूरा कर्टेन, थोड़ा हटा के देखें, अरे हट जा भाई, क्या व्यू है, मतलब सो के उठो, उठते ही गंगा में डुबकी लगा दो, लाइक क्या माहौल है, वाओ, लाइक बहुत अच्छा एरिया। अब हम चलते हैं बालकनी की साइड, दिस इज द बालकनी, बहुत सुंदर है, नो डाउट बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड दिस अगेन दिस एरिया, बालकनी को खोलते हैं, आवाज देख रहे हो, ओ माय गॉड बंदर भी आ गए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बंद करो, बंद करो। और ये है वॉशरूम, यहाँ पे इन्होंने अच्छा दे रखा है ऊपर से लेके नीचे तक, ओके इसको ओपन करके देखते हैं, आओ एक और मिरर, इट्स ड्रायर, लाइट्स, दिस शावर एरिया, टॉवल्स, टॉयलेट्रीज, नाइस सिंक। बाहर का व्यू देखते हैं बालकनी का, ओके सो गुड, सो गुड, कितनी अच्छी हवा आ रही है, कितनी अच्छी, यू नो ऋषिकेश एंड ऑल दीज, जो माउंटेन एरिया है उसकी ना अलग स्मेल होती है, गॉड इतनी अच्छी स्मेल आ रही है और इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है रिवर की, जस्ट अमेजिंग। अगर गर्मियाँ होती तो मैं उस पूल में भी जाती, बट ठंड है, सो अमेजिंग। रेडी होने का तो टाइम था ही नहीं, और जब तक हम लोग नीचे आए तब तक ओ माय गॉड सारा का सारा खाना फिनिश हो चुका था और स्नैक स्टार्ट हो गए थे, एंड ये देखो भूखों को, और हम लोग साइड में बैठ के बहुत इंजॉय कर रहे हैं और खा रहे हैं हम स्नैक्स, पकौड़े लिए हैं मैंने, ठीक है, एक अजीब सी ब्रेड है और ये सैंडविच है, और मैंने उसका टमाटर निकाल दिया क्योंकि मुझे टमाटर नहीं पसंद है, ओके बाय। इतना अच्छा और इतना बेस्ट व्यू था, और यहाँ पे झूला झूला नहीं जा रहा था मुझसे, ओ माय गॉड, फिर हम रेडी होके पार्टी करने गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नींद खुल गई क्या, क्या टाइम हो रहा है,
9:30 हो रहे हैं, बहुत नींद आ रही है। करती हूँ मैं बात, एक जरा एक घंटा और सो जाऊं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं फिर से उठ गई, अब तो खैर उठ गई हो। सो मेरा मन था हम सुबह सुबह वॉक पे जाएं और थोड़ा ऋषिकेश एक्सप्लोर करें, पर एज यू नो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और नींद तो इतनी अच्छी आई है ना कि बस मैं क्या बताऊं कि अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा। और पापा कह रहे हैं शादी स्टार्ट होने वाली है, उठ जाओ अभी, तो नहाना भी पड़ेगा, बहुत काम है। तो मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ, मॉर्निंग व्यू, कि कितना मजा आ रहा है मुझे इस व्यू के साथ सोने में। देखो देखो, आप लोग भी देखो। गाइस उठ तो गई हूँ एंड लुक एट द व्यू, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं नहीं हूँ, मेरे को इग्नोर करो। उठ गए हैं, कॉफी वॉफी का तो पता नहीं है, ग्रीन टी पीती हूँ, ग्रीन टी तो मैं पीती हूँ हमेशा, तो ग्रीन टी पीते हैं, बनाते हैं पहले ग्रीन टी, उसके बाद पीते हैं ग्रीन टी एंड देन ट्राई करते हैं, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। ओके बाय बाय। ग्रीन टी पीने के बाद गए हम सीधा शादी में, शादी एंजॉय करी, रात का खाना एंजॉय किया इस बॉनफायर के नीचे, मस्त मजा आ गया, जस्ट लवली। हमने गाने सुने एंड सब ने एंजॉय किया, बाद में सब लोग नाच रहे थे एंड ये मैं हूँ। इतना अच्छा व्यू रात को राम झूले का, इट्स जस्ट अमेजिंग। सुबह की ग्रीन टी के बाद मैं गई थी खाना खाने, बहुत भूख लग रही थी, लिटरली बहुत भूख लग रही थी, और इतना सारा फ्रूट्स खाना देख के बहुत मज़ा आया, और खा के भी ऑफ कोर्स। तो बहुत सारा खाना खाया मैंने, बहुत सारा यम्मी यम्मी खाना खाया मैंने, इसको देख के और भूख लग रही है। हैप्पी मी। एंड देन हम लोग सीधा घर की तरफ चले गए एंड वहाँ पे जाके हमने यहाँ पे खाना खाया, फिर से खाना खाया, अब हम बहुत खाना खाते हैं। एंड देन यहाँ पे कोई एक जगह थी, वहाँ पे हम रुके एंड मैंने खाई यहाँ पे राज कचौड़ी, छोले भटूरे एंड ये कैंडी शॉप थी, बहुत सारी कैंडीज थी, लेकिन लिटरली मैंने एक कैंडी बाय करी थी और वो बहुत बकवास थी, यक 80 rupees की। एंड देन हम गए केवेंटर्स, वहाँ पे मेरा फेवरेट मैंने पी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, जो बहुत टेस्टी था। ओके बाय।